सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Realme के C30 डिवाइस के अंदर आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं, दैट मीन्स उसको छिपा सकते हैं। एप्लीकेशन को छिपाना है तो ये आसानी से कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट आपके फोन में सेटिंग्स है। हालांकि हम इसका यूज करके दिखाएंगे आप कैसे एप्लीकेशन को हाइड करेंगे। गाइस, यहाँ पर एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए ओपन करना होगा हमें अपना फोन सेटिंग। यहाँ पर सेटिंग्स हमारी है, एक बार हम इसको क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ रहा है, बायोमेट्रिक वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर अब देखेंगे तो हमारे पास F8 का भी कोई पासवर्ड यहाँ पर नहीं मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक पासवर्ड यहाँ पर सेटअप करना है, उसके लिए सेट प्राइवेसी पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से एक पासवर्ड पहले बनाते हैं इसका। देखो यहाँ पर क्लिक करके इसको यूज डिफरेंट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, पैटर्न वाला हमारे पास ऑप्शन है, इसको प्रेस करके हम एक पासवर्ड यहाँ पर बना लेते हैं। आप भी इसको एक पासवर्ड पहले क्रिएट कर लीजिए इस तरीके से, इसके बाद डन कर देंगे। तो ये एक्चुअली एक ऐप लॉक पासवर्ड होता है और ये एफ हाइड पासवर्ड भी होता है। जैसे मैंने इसको बनाया, हमारे पास हाइड ऐप वाला ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं। इस पर क्लिक करना हाइड ऐप पर। जैसे आप हाइड ऐप क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन हमारे पास आएगा एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए। और इसमें जो एप्लीकेशंस हाइड होती है काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन से ओपन होती है। मैं इसको डू नॉट रिस्टोर करता हूँ। इसके बाद जिन ऐप को हाइड करना है इसको प्रेस करिए। उससे पहले हमें एक सेटिंग्स कोड बनाना होगा जिससे हम जो है इसको एक्सेस करेंगे। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कोड हम इस तरह से बनाएंगे, पहले हैज टाइप करेंगे, इसके बाद कोई भी वर्ड टाइप करके इस तरह से, जैसे कि मैंने बना दिया एक कोड, इसके बाद वापस हैज लगाएंगे, इसको एरो को प्रेस कर देंगे। अब इस कोड को हम कहां पर एंटर करेंगे उसको भी दिखाएंगे। अभी हम इसको डन करते हैं। पहले हमने एक एप्लीकेशन अभी हाइड नहीं करा है, एक्चुअली करा है, एक असिस्टेंट को करा है, कैलेंडर वगैरह को भी हम कर देते हैं। तो दो चार एप्लीकेशन हमने हाइड कर दिया। अब इस हाइड ऐप को देखना है तो इसके लिए कट कर दीजिए प्रॉपर। डायलर को अपने ओपन करिए जहां पर आप डायल करते हैं। यहां पर आपको वही कोड एक्सेस करना जो कोड वहां पर हमने एंटर करा था। तो हैज लगाएंगे 23562 3, वापस हैज करेंगे तो हमारे पास जो एप्लीकेशन हमने हाइड करी है वही एप्लीकेशन आ जाएगी। इजिली हम यहीं पर इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया तरीका है एप्लीकेशंस को हाइड करने का। सो ऐसे ही गाइस एप्लीकेशंस को हाइड करते हैं। आई होप कि समझोगे ऐप को हाइड करना कैसे है। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप में कमेंट करके पूछ सकते हैं।